मध्य प्रदेश से सख्ती की बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर फ्लॉट टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किसकी बनने जा रही सरकार और आखिर में क्या चाल यहाँ पर कमलनाथ ने चली है जिसके दम पर वो यहाँ पर फ्लॉट टेस्ट पास करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर क्या भाजपा के विधायक यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में है, ऐसा यहाँ पर कई बड़े दावा यहाँ पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बचेगी ऐसी हरीश रावत का बयान है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा बयान यहाँ पर भूपेश बघेल की तरफ से भी सामने आ रहा है। भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना की कमलनाथ सरकार प्लॉट टेस्ट पास कर लेगी और उसके लिए वो बिल्कुल तैयार भी है। आखिरकार कांग्रेस इतना दावा क्यों रखेगी, क्या भाजपा के विधायक कांग्रेस के पक्ष में है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कई भाजपा विधायक जो है वो सिंधिया के चलते यहाँ पर नाराज दिख रहे हैं। ऐसे कांग्रेस विधायकों का मानना है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है और प्लॉट टेस्ट में उनके साथ कम से कम 130 विधायकों का बहुमत मिल सकता है, ऐसी यहाँ पर खबर चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर संविधान के नियम के अनुसार अनुरूप अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, दिग्विजय सिंह का यहाँ पर बड़ा बयान यहाँ पर जारी हुआ है। तो क्या यहाँ पर प्लॉट टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है कांग्रेस? तो कांग्रेस यहाँ पर एक और मांग कर रही है जिसमें उनके बागी विधायक जो है उनको यहाँ पर रिहाई दिलाई जाए तब प्लॉट टेस्ट हो, ऐसी मांग कांग्रेस की है। इसके अलावा यहाँ पर विजयवर्गीय जो है कैलाश विजयवर्गीय उनका भी साफ तौर कहना है कि प्लॉट टेस्ट जल्द से जल्द होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये सियासी ड्रामा जो जारी है लेकिन अब इसका अंत होने वाला है और कल इसके लिए एक बड़ा यहाँ पर फैसला यहाँ पर एनपी जो प्रजापति अध्यक्ष है उन्होंने लिया जिसमें 6 यहाँ पर मंत्रियों को बर्खास्त किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 16 जो यहाँ पर विधायक हैं उनका जो है इस्तीफा कब मंजूर होता है, क्योंकि सारी जो खबर है सारी जो उम्मीद है वहीं पर टिकी है। ये आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि कल कमलनाथ सरकार का क्या हो सकता है। देखिए अगर मौजूदा सीट की बात करें 230 सीटें विधानसभा की हैं मध्य प्रदेश के अंदर लेकिन 228 हैं क्योंकि दो विधानसभा सीटों पर जो पहले से ही खाली चल रही हैं। इस्तीफा मंजूर केवल 6 का हुआ, ये अब बड़ा पैच फंस चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस जो है कोरोना वायरस का भी हवाला दे रही है कि कोरोना वायरस के चलते जो है विधायकों के यहाँ पर टेस्ट होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस रख रही है। लेकिन अगर यहाँ पर बाकी जो विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं होते हैं तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है पहले उन्हें यहाँ पर विधानसभा में उपस्थित होना होगा, उसके बाद वो प्लॉट टेस्ट के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या आंकड़े बन सकते हैं, देखिए फिलहाल के अगर आंकड़े आपको दिखाएं जिस प्रकार की बन रहे हैं, सीट 122 बचती है 6 के यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद, बहुमत का आंकड़ा बनता है 112 का। अब कांग्रेस के पास यहाँ पर 92 कांग्रेस विधायक और 16 बागी विधायक पक्ष वोट कर जाते हैं उपस्थित होकर, तो और अन्य के साथ मिलाकर कुल मिलाकर 115 वोट के साथ कांग्रेस सरकार यानी कमलनाथ सरकार बच सकती है, ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा आंकड़ा क्या बन सकता है, देखिए मौजूदा अगर सीट की बात करें 228 हैं और अगर जो 16 और बागी विधायक जो है उनके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर कांग्रेस 92+7 यानी 99 तक का आंकड़ा ही कांग्रेस प्राप्त करती है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 104 रहेगा और जो बीजेपी आसानी से 107 विधायकों के साथ पार कर लेगी। लेकिन एक और यहाँ पर पैच फंस रहा है, कांग्रेस यहाँ पर दावा रख रही है कि कांग्रेस जो है भाजपा के विधायक अपनी तरफ यहाँ पर वोट कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं विधानसभा में फ्लॉट टेस्ट के दौरान। तो कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर बयान दे रही है, तो क्या होगा कल यहाँ पर आपको और जानकारी सटीक मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं जो यहाँ पर खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, प्लॉट टेस्ट में कौन पास होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।